नमस्कार दोस्तों, आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करने वाले हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। रक्षाबंधन महाभारत काल से ही शुरू हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के सुखदेवी नाम की एक चाची थी, उसने शिशुपालना पर एक विपरीत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों से पता चलता है कि जिसके स्पर्श से शिशु पालना ठीक हुआ, उसी के हाथों शिशु पालना के मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची के घर मिलने आए थे और जैसे ही सुखदेवी ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथों में दिया, वह बहुत सुंदर हो गया। तब सुखदेवी अपने बालक में यह बदलाव देखकर बहुत खुश हुई, पर उसकी मौत से श्री कृष्ण के हाथों से होने से वह विचलित भी हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, भले ही शिशु पालना कितने भी गलती कर दे, पर उसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों से सजा नहीं मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी चाची से वादा किया कि मैं उसकी गलती माफ़ कर दूंगा, परंतु उसने अगर 100 बार से अधिक गलती कर दी, मैं उसकी गलती माफ़ नहीं करूँगा। शिशु पालना बड़ा होकर जेडी नामक राज्य का राजा भी बन गया और वह बहुत क्रूर था और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी। शिशुपालना अपनी क्रूरता के चलते अपने राज्य को भी बहुत परेशान करता था और बार बार श्री कृष्ण का भी अपमान किया करता था बहुत। परंतु एक बार तो हद ही हो गई, जब शिशुपालना ने भगवान श्री कृष्ण का भरी सभा में अपमान कर दिया और बहुत निंदा की। परंतु उसने इस बार 100 गलतियों का आंकड़ा भी पार कर दिया था। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अनेक चुनौतियों के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले, जिसके कारण अंत में उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में शिशुपाल के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में भी लग गई थी, जिसमें से खून बहने लगा था। जिसे देख वहां पर खड़े सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु वहां पर खड़ी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना समय गवाए अपने साड़ी से पल्लू को फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधने लग गई, जिससे भगवान श्री कृष्ण की उंगली से बहता हुआ खून रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे दुख में साथ दिया है, तो मैं भी तुम्हारे दुख में काम आऊँगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आश्वासन दिया था और इस घटना से ही रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ हुआ था। और जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया था। और द्वापर युग से ही बहनें आज तक अपने भाइयों को राखी बांधती आई हैं, रक्षाबंधन का पर्व मनाती आई हैं। बदले में भाई अपनी बहनों के लिए रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं।